इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक खत्म हुई, उसके बाद निशंक के आवास पर सभी उत्तराखंड के नेता मौजूद हैं। इस वक्त ये काफिले में कौन मौजूद है ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वो चाहते हैं कि एक रिएक्शन मिल जाए। लगातार हलचल तेज है दिल्ली में। उत्तराखंड का नया मुखिया होगा कौन, इसको लेकर माथापच्ची। एक तरफ गृह मंत्री के आवास पर बैठक, उसके बाद दूसरी तरफ निशंक के आवास पर भी तमाम। मदन कौशिक की ये तस्वीरें देखिए, मदन कौशिक यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि उनसे बातचीत हो और एक रिएक्शन आ जाए कि बातचीत क्या हुई है, फीडबैक किस तरीके से उनका रहा, और अब आगे क्या, कितने दिन और लगेंगे, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। रिएक्शंस भी, प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आएंगी कुछ ही देर के बाद। इसी पर अविनाश भी लगातार बने हुए। अविनाश बताइए, ये जो काफिला हम देख पा रहे हैं मदन कौशिक का, ये निशंक के घर से भी निकल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी निकल चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल के घर से, और इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां से निकल गए हैं। लेकिन अभी अगर बात करें तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहीं पर मौजूद हैं। अब दो नेताओं के बीच में बैठक जारी है, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और दूसरे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये दोनों नेता अभी यहीं पर बैठ के बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और लेकिन अगर बात करें तो निकलते निकलते मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये जरूर कहा कि कल तमाम सारे विधायकों की शपथ होगी और उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी, फिर नाम तय हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से चारों नेता गृहमंत्री अमित शाह के आवास से निकले और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पे आए, यहाँ बैठक करने लगे और फिर उसके बाद दो नेता निकल जाते हैं। चलिए, मदन कौशिक से लगातार ये कोशिश वहां पर की जा रही है, जो पत्रकार मौजूद हैं, अविनाश भी हमारे वहीं पर मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश हो रही है कि मदन कौशिक से कोई जानकारी ली जाए, उनसे भी बातचीत हो पाए या फिर उनका एक रिएक्शन ही मिल जाए, क्या बातचीत हुई है। पहले अमित शाह से, गृहमंत्री से, उसके बाद निशंक के आवास पर किस तरीके से बातचीत हुई, इसको लेकर रिएक्शन लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो बिना बात के वहां से निकल गए हैं। अविनाश लगातार बने हुए। अविनाश अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये जरूर कहा कि कल तमाम सारे विधायकों की शपथ होगी और इसके बाद फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं अगर एक और अपडेट है कि प्रभारी दुष्यंत गौतम आज शाम को ही देहरादून पहुँच रहे हैं और वहाँ पर तमाम सारे संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे, और उसके बाद कल पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुँचेंगी, जहाँ पर विधानमंडल दल की जब बैठक होगी तो उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो अभी भी बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। वहां से बैठक करने के बाद उत्तराखंड राज्य के जितने भी नेता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पहुंचते हैं और यहां पे तकरीबन आधा घंटे चार नेताओं के बीच में बैठक चलती है। उन चार नेताओं में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अभी अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक के घर पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, इसके अलावा दो अन्य नेता यहां से निकल चुके हैं। यहां से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निकल चुके हैं और यहां पे अभी भी खैर गहमा गहमी जारी है, चूंकि मीडिया का जमावड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे लोग यहां पे भी अभी मौजूद हैं, जो सुरक्षाकर्मी है मुख्यमंत्री की और तमाम सारे अन्य लोग जो जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, उत्तराखंड में किस तरीके से रणनीति चर्चा हो रही है, वो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी भी अंदर दो लोगों के बीच में बैठक जारी है। ये दो लोग हैं उत्तराखंड राज्य के, एक तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी के पुष्कर सिंह धामी, और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये दो नेताओं के बीच में अभी भी मंथन और चिंतन का दौर जारी है, क्योंकि जिस तरीके से नई परिस्थितियां उभरी है उत्तराखंड के अंदर, तमाम तरह जो लोग हैं अब कयास लगा रहे हैं कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी के ऊपर विश्वास करेंगे नेतृत्व आलाकमान, या फिर कोई अन्य मुख्यमंत्री होगा। इतिहास को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नई भारतीय जनता पार्टी जिसमें चौंकाने वाले फैसले होते रहे हैं और अब तक होते हुए आए भी हैं, तो लिहाजा किस तरीके का फैसला होता है इसका सभी को इंतजार है। केंद्रीय नेताओं के पास राज्य के तमाम तरह जितने भी नेता हैं, चाहे वो वरिष्ठ हों, चाहे वो जूनियर नेता हों, चाहे वो किसी भी कद का नेता हो, तमाम तरह नेताओं ने आके यहाँ पर मुलाकात की है किसी न किसी नेताओं से और वहाँ पर आकर अपना अपना फीडबैक दिया है कि किस तरीके से वो लोग राज्य को लेकर सोचते हैं, क्या वो भी अपने आप को दावेदार मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो कौन सा अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। तो तमाम तरह उत्तराखंड के जो विधायक है, तमाम तरह जो नेता है, वो दिल्ली में आके अपना फीडबैक दे चुके हैं। जो वरिष्ठ नेता है उनसे आज फीडबैक ले लिया गया है और अभी भी चार वरिष्ठ नेताओं के बीच में मंथन जारी था, जिनमें से दो वरिष्ठ नेता निकल चुके हैं, दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में अभी मंथन जारी है। वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि एक बार उनको फिर से सत्ता मिले, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेता हैं जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, अब मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। और अगर उसी बयान से जोड़ा जाए तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब उत्तराखंड सदन से निकलते हैं गृहमंत्री अमित शाह के पास आने के लिए, तो साफ तौर पर कहते हैं हमारे पास कई सारे चेहरे हैं, कई सारे दावेदार हैं, और इतना भी कहते हैं कि जो उन्होंने विकास कार्य किया था उसी विकास कार्य के बलबूते भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। तो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक कुछ दिन पहले बोल चुके हैं कि अगर पार्टी उन पर विश्वास जिताती है तो देखेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। तो ये जाहिर तौर से बात है कि हर कोई अपने अपने लिए लामबंद है, अपनी अपने लिए लॉबिंग कर रहा है या फिर दूसरे नेताओं के लिए लॉबिंग कर रहा है। पुष्कर सिंह धामी के लिए किसी बड़े नेता ने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा। अजय भट्ट जो उनके सबसे करीबी बड़े नेताओं में आते हैं, उन्होंने भी कहा कि जिसके पास विधायक बल विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही मुख्यमंत्री होगा। अगर पुष्कर सिंह धामी के पास ज़्यादा संख्या है तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 47 में से अगर आधे भी करिए तो 24 विधायक कहाँ पुष्कर सिंह धामी के पास है। अभी तक अगर आप देखें तो 4 से 5 विधायक निकल कर ही आए हैं जिन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री फिर से पुष्कर सिंह धामी को होना चाहिए। 4-5 विधायक ऐसे भी निकल के आए हैं जो अपने लिए दावेदारी किए हैं और बाकी सारे विधायक खामोश हैं। उनमें से कई सारे विधायक अगर बोले भी हैं तो यही बोले केंद्रीय आला कमान फैसला करे, और जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार दिल्ली में अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं या अपने लिए लॉबिंग करवा रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके सामने भी कहीं ना कहीं बड़ा संकट है कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री किसको बनाए, क्योंकि अगर हारे हुए उम्मीदवार को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि लॉबिंग तेज होगी। यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से 2017 से 22 के बीच में देखा गया कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लॉबिंग हो रही है, एक के बाद एक शिकायतें आ रही है, दिल्ली में तमाम सारे लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ आकर शिकायत कर रहे हैं और यही कारण है कि 3-3 मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जाता है तो क्या वो इन तमाम सारी चीज़ों को साधने में कामयाब होंगे? और दूसरी बात है कि उपचुनाव कहाँ से लड़ाया जाएगा पुष्कर सिंह धामी को, कहाँ से समीकरण ठीक रहेंगे, विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही कहेगा कि हारे हुए व्यक्ति को दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी जो खुद को कहती कितनी बड़ी पार्टी, क्या उनके पास दोबारा कोई दूसरा चेहरा नहीं था? तो ये तमाम सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी अब अपने अंदर ढूंढ रही है, और यही कारण है कि पार्टी के जो तमाम सारे शीर्ष नेता हैं वो अब लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर राज्य की सत्ता किसको सौंपी जाए जो अगले 5 साल तक राज्य की सत्ता को निर्विवाद रूप से चला सके, क्योंकि बीजेपी इस बार ऐसा नेतृत्व चाहती है जिसको बदलना न पड़े, जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सीधे 2027 में जाकर उस चेहरे के साथ चुनाव फिर से लड़ा जाए, और उसके पहले जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी चुनाव के तौर पर 2024 होगी, क्योंकि 2019 में 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 4-5 विधानसभा सीटों पर विजय पताका हासिल की थी, तो 2024 सामने उसके सामने लक्ष्य होगा कि 5 सीट एक बार फिर से जीते। इसीलिए निर्णय इतना आसान नहीं है और बीजेपी भी लगातार अब मंथन कर रही है, और इसी के मंथन के दौर में अगर बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव वीएल संतोष के साथ बैठक किए, उनके साथ भी जानने की कोशिश की कि आखिर किसको अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और यहाँ पे अब देखिए तो दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री पूर्व है, एक कार्यवाहक है, दोनों के बीच में अभी भी बैठकों का दौर जारी है, दोनों के बीच में अभी भी रायशुमारी हो रही है कि किस तरीके से उत्तराखंड के जो भविष्य है, उत्तराखंड के राज्य का जो नया नेतृत्व है उसके नाम को लेकर के तय किया जाए, उसके नाम को लेकर के मंथन दो बड़े नेताओं के बीच में जारी है। चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक रहे हैं खटीमा से, और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था वो 2री बार के विधायक थे, यानी कि जूनियर नेताओं में उनका नाम शुमार था, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है चूंकि वो युवा थे और उनको चुनावी मैदान पर उतारा, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो खुद अपनी सीट हार गए, यानी कि 3री बार भी विधायक नहीं हो सके। ऐसे में अब राज्य के कई सारे नेता ऐसे जो कह रहे हैं कि वो 5 बार से लगातार विधायक हैं। कई सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से राज्य था तब से वो विधायक है राज्य के, तो उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये सभी लोगों ने अपनी राय आके यहाँ पे केंद्रीय आला कमान के सामने रखी है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे जो छोटा नेता, जब से सबसे जो जूनियर नेता था उसको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसने राज्य की सत्ता को बखूबी साधा भी, और तमाम सारे जो सीनियर नेता थे उनके साथ बैठकें भी की, उनके साथ लगातार
लगातार बातचीत भी की, जो लगातार अपनी भी दावेदारी कर रहे हैं, जो दावेदारी पहले भी कर रहे थे, 17 में भी कर रहे थे, 22 में भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हाईकमान पर टिका हुआ है। हाईकमान किसको चुनता है, किसको मौका दिया जाता है हाईकमान की तरफ से, और किस तरीके से हाईकमान की तरफ से कदम आगे बढ़ाया जाता है, उसी पर हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है।